आज हम लोग पैटर्न के अंतर्गत एक सवाल देखेंगे कि किस प्रकार इस सवाल को हम बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नौदय या सैनिक एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आता है। ये एक सवाल है कि यदि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण का योग समान है तो एक्स वाई जेड व डब्ल्यू के मान है क्रमशः। हमारे पास एक वर्ग बने है ना, इस वर्ग में मान है 8, x, z, y, 5, w, 4, 9, 2। इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक पंक्ति का मान योग समान होना चाहिए, मतलब यदि हम ऐसे जोड़ेंगे तभी मान हमारा समान होगा, ऐसे जोड़ेंगे तब भी मान हमारा समान होगा, और यदि हम ऐसे जोड़ेंगे तब भी मान हमारा, और यदि ऐसे जोड़ेंगे तो हमारा मान समान होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ के देखते हैं कि मान कितना हमारा आ रहा है। तो 9 चार कितना होगा 13, अब 13 दो 15, तो हमारा योग कितना आ रहा है 15। तो हमारा जो 15 है वो सभी दिशा से 15 आना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं x का मान निकालते हैं। तो देखिए 9 5 14, 14 में क्या मिलाएंगे कि 15 हो जाएगा, तो हमारा x का मान हो जाएगा, ठीक है। अब x का मान आ गया, अब हम यहाँ देखते हैं इसका मान निकालेंगे, तो 8 और 9 में क्या मिलाएंगे कि 15 हो जाए 6, तो इसका मान क्या हो जाएगा 6। तो दो मान हमारा निकल गया। क्या हम देखते हैं कि हमें हमारा उत्तर मिल रहा है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर x का मान 1 आ रहा है और x, y, z, z का मान 6 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम ये प्रश्न को पूरा हल करेंगे, ठीक है। अब हमारा हो गया किसका किसका मान निकल गया, x का मान 1 हो गया और इसका मान 6 हमको पता चल गया, ठीक है। अब हम इसका मान निकालेंगे y का, तो 8 4 12 में क्या मिलाएंगे कि 15 हो जाए 3, तो इसका मान होगा 3, y का मान आ गया 3, हम यहाँ लिख देंगे 3। अब हमारे पास क्या बच गया, w, w का मान निकालेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम 5 और 3 8 में क्या मिलाएंगे कि 15 हो जाए 7, क्या मिलाएंगे 7 मिलाए। अब देखिए हमारा मान कहाँ आ रहा है, 1 है, 3 है, 6 है, 7 है, तो हमारा उत्तर होगा दूसरा। तो इस प्रकार से हम ये पैटर्न वाले सवाल को हल कर सकते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि सभी दिशाओं से यदि हम ऐसा देखें तब भी हमारे योग बराबर आना चाहिए, यदि हम ऐसा जोड़े, यदि हम विकर्ण के रूप में जोड़े तब भी हमारा मान बराबर आना चाहिए। अब हम हमारा अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि निम्न श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक पद दिया हुआ है, उसमें है 5 3 5 8 12 17, इसके बाद क्या होगा, अगला पद हमें ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस पद में क्या संबंध है, इसमें क्या संबंध, और इसमें हम संबंध खोजेंगे। यहाँ पर कितना दिया है 3, यहाँ पर कितना है 5, तो 3 में क्या मिला है कि 5 हो गया है, 2 मिला है ना, तो यहाँ पर क्या मिला है 2 मिला है ना। अब हम क्या देखेंगे कि 5 में क्या मिला है कि 8 बन गया है 3। अब हम देखेंगे कि 8 में क्या मिला है कि वो 12 बन गया है 4 मिला है ना, तो मतलब यहाँ पर क्या संबंध है कि 3 और 5 में 2 है, फिर यहाँ 3 आ रहा है, फिर यहाँ 4 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा 5, क्योंकि 12 5 17 होता है ना, 12 5 कितना होता है 17। तो अब मतलब हम संबंध समझ रहे हैं कि यहाँ 2 मिला है, 3 या 4 या 5, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 6, तो हम 17 में 6 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 17 6, हाँ कितना हो जाएगा, तो हमारा अगला पद क्या है 23, तो हमारा उत्तर है दूसरा 23। इस प्रकार के पैटर्न के प्रश्न को हमें बनाने के लिए हमें यहाँ पर संबंध खोजने पड़ते हैं। यदि हम ये संबंध जान जाएंगे तो हम इस प्रकार के सवाल को आसानी से हल कर लेंगे।